चैप्टर 4 लव एंड कुश। सीता इज सिटिंग अलोन इन हर हट इन ऋषि वाल्मीकिस आश्रम। सीता इज सिटिंग अलोन, अलोन का मतलब अकेले। सीता जी झोपड़ी में अकेले बैठी हुई हैं इन ऋषि वाल्मीकिस आश्रम। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी अपनी झोपड़ी में अकेले बैठी हुई हैं। लव कहते हैं, लव और कुश उनके सीता जी के पुत्र हैं। लव कहते हैं, मदर कम एंड शी कुश इज होल्डिंग द रेन ऑफ अ ब्यूटीफुल हॉर्स। रेन का मतलब लगाम होता है। मदर कम एंड सी, वो कहते हैं माता आओ और बाहर देखो, कुश इज होल्डिंग द रेन ऑफ अ ब्यूटीफुल हॉर्स। कुश ने एक बहुत ही सुंदर घोड़े की लगाम पकड़ी है। अ प्रिंस एंड मेनी सोल्जर्स आर आस्किंग हिम टू गिव देम द हॉर्स बैक। अब प्रिंस यानी कि एक राजकुमार और बहुत सारे सिपाही उसे वह घोड़ा वापस लौटाने के लिए बोल रहे हैं। ही इज़ क्वेरलिंग विद देम, क्वेरलिंग का मतलब लड़ाई करना। वह उनसे लड़ाई कर रहा है, वह उनसे युद्ध कर रहा है। ही सेज, वह कहता है, आई विल नॉट गिव द हॉर्स बैक, मैं ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। सीता जी बोलती हैं, येस आई हियर अ लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड, मैंने भी बाहर की तरफ बहुत सारा शोर सुना है। गो एंड सी वॉट इज द मैटर, चलो बाहर देखते हैं कि क्या बात है। लव रसेज आउट, लव जल्दी से बाहर भागता है। ही ज्वाइंस कुश, वह कुश का साथ देता है, वह कुश के साथ लड़ाई करने लगता है। द टू ब्रदर्स नाउ फेस प्रिंस चंद्रकेतु सन ऑफ प्रिंस लक्ष्मण। चंद्रकेतु जो कि राजकुमार लक्ष्मण के पुत्र थे, वे दोनों उनसे युद्ध कर रहे थे। द प्रिंस इज वेरी फ्यूरियस, वह राजकुमार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। फ्यूरियस का मतलब क्रोधित। प्रिंस बोलते हैं यानी कि राजकुमार बोलते हैं, यू फुलिश बॉयज, मूर्ख बालकों, Why have you caught this horse? तुमने यह घोड़ा क्यों पकड़ा है? It is a king's horse. यह राजा का घोड़ा है. Perhaps you don't know that you are putting your life in danger by holding this horse. शायद तुम नहीं जानते, you are putting your life in danger. तुम लोग अपना जीवन मुसीबत में डाल रहे हो by holding this horse. इस घोड़े को पकड़कर. You are so young and handsome. तुम लोग बहुत छोटे और बहुत सुंदर हो. That we don't want to kill you. इसलिए हम तुम्हें मारना नहीं चाहते. Just leave this horse and go back to your ashram. तुम इस घोड़े को छोड़ दो और अपने आश्रम वापस लौट जाओ। कुश कहता है, डू नॉट टैक लाइक दिस, इस तरह की बातें मत कीजिए। दिस हॉर्स हैज़ कम रनिंग टू आवर आश्रम, यह घोड़ा हमारे आश्रम की ओर दौड़ कर आया है, भाग कर आया है। वी विल नॉट गिव इट बैक, हम इसे वापस नहीं करेंगे। यस कुश इज राइट, लव बोलता है कि हाँ कुश सही बोल रहा है। वाई हैज़ योर किंग लेफ्ट दिस हॉर्स रनिंग अबाउट हेयर एंड देयर, वाई हैज़ योर किंग लेफ्ट, तुम्हारे राजा ने क्यों छोड़ दिया है दिस हॉर्स, इस घोड़े को रनिंग अबाउट हेयर एंड देयर, तुम्हारे राजा ने इस घोड़े को यहाँ वहाँ घूमने के लिए क्यों छोड़ दिया है। प्रिंस बोला, स्टॉप, रुक जाओ, डू यू नो होम यू आर टॉकिंग टू, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आई एम लॉर्ड रामचंद्र नेफ्यू, मैं भगवान रामचंद्र का भतीजा हूँ, भांजा हूँ। ही इज़ द किंग ऑफ अयोध्या, वह अयोध्या के राजा हैं। ही इज़ गोइंग टू टेक द टाइटल चक्रवर्ती सम्राट, वह चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि लेने वाले हैं। टाइटल का मतलब उपाधि। ही इज़ परफॉर्मिंग अश्वमेध यजन एंड देयरफॉर दिस हॉर्स इज गोइंग राउंड इन ऑल डायरेक्शंस। ही इज़ परफॉर्मिंग अश्वमेध यजन, वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, दिस हॉर्स इज गोइंग राउंड इन ऑल डायरेक्शन, इस हॉर्स को सभी दिशाओं में जाने के लिए छोड़ दिया गया है। हु एवर कैचेज दिस हॉर्स, जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ता है, ही विल हैव टू फाइट अ बैटल विथ आवर आर्मी, उसे हमारे आर्मी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। कुश, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर किंग एंड हिज सोल्जर्स। कुश बोलता है, वी आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डरना, ऑफ योर किंग एंड हिज सोल्जर्स, हम तुम्हारे राजा और उनके सिपाहियों से नहीं डरते हैं। डू वॉट एवर यू विश टू डू, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। वी विल नॉट अलाउ दिस हॉर्स टू गो, लेकिन हम इस घोड़े को जाने की अनुमति नहीं देंगे। प्रिंस, यू सीम टू बी आउट ऑफ योर विट्स, राजकुमार बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। द प्रिंस ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स टू कैच होल्ड ऑफ द टू बॉयज एंड फ्री द हॉर्स।
द प्रिंस ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स, राजकुमार अपने सैनिकों को आदेश देता है टू कैच होल्ड ऑफ द टू बॉयज, उन दोनों लड़कों को पकड़ने के लिए, एंड फ्री द हॉर्स, और घोड़े को आज़ाद करने के लिए। अ फियर्स बैटल बेगिंस, एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लव एंड कुश फाइट ब्रेवली, लव और कुश बहादुरी से लड़ते हैं। मेनी सोल्जर्स आर वाउंडेड एंड सम आर किल्ड, कई सिपाही घायल होते हैं और कई मर जाते हैं। चंद्रकेतु इज आल्सो वाउंडेड एंड फॉल्स डाउन, चंद्रकेतु भी घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। कुश एंड लव, कुश और लव बोलते हैं, हुर्रा ही हैव वन द बैटल, हमने युद्ध जीत लिया है। लेट्स गो टू द मदर, चलो माँ के पास चलते हैं, एंड टेल हर अबाउट इट, और उनको इस बारे में बताते हैं। इन द मीन टाइम लॉर्ड रामचंद्र स्टेप्स डाउन हिज चैरियट, इन द मीन टाइम उसी समय लॉर्ड रामचंद्र, भगवान रामचंद्र स्टेप्स डाउन हिज चैरियट, चैरियट का मतलब रथ, रामचंद्र अपने रथ से नीचे उतरते हैं। ही इज सरप्राइज टू सी दैट द टू यंग बॉयज हैव वाउंडेड चंद्रकेतु, ही इज सरप्राइज टू सी, वह यह देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं दैट द टू यंग बॉयज हैव वाउंडेड चंद्रकेतु एंड मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स, कि इन दो छोटे छोटे बच्चों ने चंद्रकेतु और कई सिपाहियों को घायल कर दिया। ऋषि वाल्मीकि आल्सो अपीयर्स एट द सीन, उसी समय ऋषि वाल्मीकि भी वहाँ आ जाते हैं। वाल्मीकि जी बोलते हैं, हेल ओ किंग ऑफ अयोध्या, वो कहते हैं, अयोध्या के महाराज आपका स्वागत है। लुक एट दिस टू बॉयज एंड द फील्ड ऑफ बैटल, इन दोनों बच्चों को और इस युद्ध के मैदान को देखो। रामचंद्र बोलते हैं, व्हाट एन एग्जांपल ऑफ ब्रेवरी एंड करेज इंडीड, वास्तव में ये बहादुरी और साहस का बहुत ही अनूठा उदाहरण है। हु आर दे, वे कौन है? वाल्मीकि से बोलते हैं, योर ओन सन्स प्रिंस लव एंड कुश, तुम्हारे खुद के पुत्र हैं प्रिंस लव एंड कुश, राजकुमार लव और कुश। नन बट दे कुड डिफीट लॉर्ड रामाज रॉयल आर्मी, उनके अलावा कोई भी भगवान राम की जो शानदार सेना है उसको हरा नहीं सकता। रामचंद्र बोलते हैं, अस्टोनाइज्ड, मतलब एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं, ग्लोरी टू बी देयर मदर, उनकी माँ की सम्मान है, मतलब उनकी माँ को उनके ऊपर गर्व है, शान है। वनली सीता कैन हैव सच ब्रेव सन्स, केवल सीता ही ऐसे बहादुर बच्चों को जन्म दे सकती है। अलास हाउ मच पेन डिड देवी सीता सफ़र ऑल दिस डेज, मुझे दुख है कि इन दिनों में देवी सीता ने कितना कष्ट सहा है। प्लीज़ टेक मी टू हर, आप मुझे उसके पास ले चलिए, उनके पास ले चलिए। रामचंद्र एम्ब्रेसेस हिज सन, रामचंद्र अपने बेटों को गले लगाते हैं, अपने पुत्रों को गले लगाते हैं, एंड टीयर्स फ्लो फ्रॉम हिज आईज, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एम्ब्रेसेस का मतलब गले लगाना। वाल्मीकि जी बोलते हैं, ओ किंग यू आर अ लॉन्ग वे फ्रॉम अयोध्या, वो कहते हैं, हे राजन आप बहुत दूर से, यानी अयोध्या से बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं। कम टू आवर आश्रम, हमारे आश्रम में आइए, एंड रेस्ट अ वाइल, और कुछ देर तक विश्राम कीजिए। देयर यू विल मीट योर नोबल क्वीन, वहाँ आप अपनी प्रिय रानी से भी मिल सकेंगे। टेक हर बैक टू अयोध्या विथ प्रिंसेस लव एंड कुश, उन्हें यानी कि माता सीता को राजकुमार लव और कुश के साथ अयोध्या वापस ले जाइए। मे यू लिव लॉन्ग, वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि आप दीर्घायु रहिए, बहुत दिनों तक जीवित रहिए, एंड रूल ओवर योर किंगडम विथ ग्लोरी एंड ऑनर, और शान और सम्मान के साथ अपने राज्य पर शासन कीजिए, राज कीजिए। लॉर्ड रामचंद्र बोस, रामचंद्र झुक कर उन्हें प्रणाम करते हैं। दे मूव टूवर्ड्स द आश्रम, वे आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं।